मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इंसान से हैवान बन चुके कुछ लोगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की है। खबरों के मुताबिक महिला अपने मासूम बच्चे के लिए दूध लेने गई थी और दुकानदार और उसके वर्कर ने मिलकर महिला की बेरहमी से पिटाई की। ये शर्मसार कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश के सागर से सामने आया है। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई कर 3 हैवानों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जिन लोगों ने भूख से बिलखते बच्चे की मां को पीटा है, क्या मध्य प्रदेश सरकार उनके दुकान और मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी क्या। महिला को इस कदर डंडों से लात घूसों से मारा पीटा जा रहा है, ये वीडियो वायरल है। हालांकि इस भीड़ से कुछ लोग सामने आए और महिला को बचाया और महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वही वीडियो कब की है पुलिस इसकी जांच कर रही है, मगर वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद मामले को संज्ञान में लिया और मामला दर्ज कर 3 हैवानों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्चुअली कल दोपहर बाद से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे थे। चूँकि हम लोगों ने इस महिला के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो फिर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में प्रकरण पंजीबद्ध किया गोपालगंज थाने में, और उस प्रकरण में जो वीडियो में मारते हुए दिख रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी इसमें जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे भी कार्रवाई की। कब का वीडियो बताया था सर? अभी इसके बारे में कन्फर्मेशन देने के लिए साइबर सेल में हम भेजेंगे कि ऑथेंटिकली ये कब का वीडियो है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं 10-15 दिन पुराना वीडियो है, लेकिन ऑथेंटिकली उसको हम साइबर से एग्जामिन कराएंगे। महिला के बारे में जानकारी लगी सर, कौन महिला? महिला के बारे में हमने तलाश करने की कोशिश किया लेकिन अभी उसके बारे में कुछ विश्वस्त जानकारी नहीं लग पाई है। विश्वस्त जानकारी लगी तो उनके भी बयान लेकर के हम आगे। सर आरोपी कौन है? सर आरोपी ये सागर लोकल के ही रहने वाले हैं, बस स्टैंड के आसपास रहते हैं, तिलकगंज इतवारी और भैंसा क्षेत्र के हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सर कुछ समझ में आया किस बात को लेकर उस महिला को मारा था? ये उस महिला को अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि उस महिला को ये लोग इनकी शॉप्स वगैरह हैं, दुकान है मार्केट में, तो वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, वो नहीं गई तो उस बात पर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट। कौन कौन सी धारा मामला दर्ज हुई सर? अभी इसमें मारपीट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है IPC की 323, 294 और 34 IPC के तहत मामला।